दोस्तपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। पुलिस कप्तान ने भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 6 अगस्त 2020 को कोतवाली दोस्तपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा शैलखा का है, जहां मौजूदा प्रधान के पुत्र और बगल के गांव के पूर्व प्रधान के लड़के से खेत के मसले को लेकर झगड़ा हो गया, जिस पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। बताते चलें कि दोस्तपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई मारपीट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की गई, लेकिन दोस्तपुर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्राधिकारी कादीपुर ने पुलिस अधीक्षक को सूचित किया। पुलिस कप्तान ने भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और निरीक्षण कर उन शरारती तत्वों ने जो इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे थे उनको कब्जे में ले लिया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने और थाना अध्यक्ष को उन शरारती तत्वों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी कादीपुर सुरेंद्र सिंह मौजूद हैं। पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश देकर दोस्तपुर की तरफ रवाना हो गए। इधर पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना ने दोस्तपुर कस्बे के कंटेनमेंट जोन सब्जी मंडी से ब्लॉक चौराहा एरिया का निरीक्षण किया और तैनात पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। आज सुबह 7:30 बजे थाना दोस्तपुर के अंतर्गत ग्राम ताजुद्दीनपुर में दो दिन पूर्व जो है छोटे बच्चों को लेकर विवाद हो गया था। सैलखा गाँव का एक छोटा बच्चा था, एक ताजुद्दीनपुर का था। दोनों गांव के प्रधानों ने मामले को हल कराया था, कल बातचीत कर लिया था इन लोगों ने। आज दोबारा सुबह फिर बातचीत करने वाले थे, तभी शैलखा गांव के बच्चे के घर वाले आ गए और उन्होंने गांव का जो होता है ताजुद्दीन भी ग्राम प्रधान पति थे मनोज चौहान, उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इससे लड़ाई झगड़ा हो गया था वहाँ पर, तो मौके पर पुलिस पहुँची समय से और पुलिस ने जाकर के मामले को नियंत्रित किया और उस पर जिन लोगों को चोटें आई थी कुल मिला के 6-7 लोगों को चोट आई है, जिनके 2 लोगों का बताया जा रहा है कि उनको यहाँ से जिला अस्पताल भेजा गया है, उनको उनकी भी स्थिति सामान्य है और मौके पर पुलिस बल तैनात है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। जो तहरीर प्राप्त हुई है प्रधानपति की तरफ से, मनोज चौहान जी की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, उसमें अभी तक 7 लोग गिरफ्तारी की गई है। मौके पर शांति है और विधिक कार्रवाई जो भी है अमल में लाई जा रही है।